सो है दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी सारे Redmi K20 और K20 Pro का यूज़ काफ़ी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनके डिवाइस को MIUI 12.5 या एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा कि क्या सीन चल रहा है उसके एंड्रॉइड 11 का और MIUI 12.5 का। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है या सॉफ्टवेयर का रोल आउट होता है वो 3 स्टेजेस में चाइना में शुरू होता है। जो पहले स्टेज होती है वो होती है डिवाइस इन इंटरनल स्टेबल बीटा टेस्टिंग। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे डिवाइस शामिल हैं। पहले उसकी इंटरनल बीटा टेस्टिंग होती है, उसके बाद डिवाइस स्टेबल रेज बिल्ट में जाता है, जहाँ पर उसकी जो इंटरनल स्टेबल टेस्टिंग है उसे काफ़ी हद तक स्टेबल कर दिया जाता है। और उसके बाद उसे इंटरनल स्टेबल बिल्ड में डिवाइस को रिलीज़ किया जाता है पब्लिक के लिए, पायलट टेस्टिंग में या आप कह सकते हैं बीटा टेस्टिंग में। तो जहाँ पर उसमें थोड़े बहुत माइनर बग्स रह जाते हैं, तो उन बग्स को फिक्स करने के बाद वो अपडेट फाइनली फुली रिलीज़ होता है, फुली पब्लिक के लिए रिलीज़ हो जाता है नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो कि है तीसरी लिस्ट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अभी जो Redmi K20 Pro है वो दूसरी लिस्ट में शामिल है, यानी कि Redmi K20 Pro के लिए स्टेबल जो बिल्ड है वो रिलीज़ हो चुका है कुछ पायलट टेस्टिंग के लिए, और वो मतलब उसके जो बग फिक्सिंग होते हैं उसमें अपडेट में छोटे मोटे उन्हें फिक्स किया जा रहा है। और तो मैं आपको इसका एक प्रूफ भी दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भी अपडेट स्टेबल बीटा में होती है, मतलब उसका स्टेबल बीटा अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाता है, या फिर जो डेवलपमेंट वर्जन में भी होती है चाइना में, उसके लिए हर वीक में एक या दो या उससे ज़्यादा बीटा अपडेट्स निकल कर सामने आते हैं, जिनमें उनमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जाती है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं, बग फिक्स किए जाते हैं। तो ऐसी ही एक बिल्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले की है। इसमें लिखा है अपडेट लॉक स्क्रीन, फिक्स द लॉक स्क्रीन प्रॉब्लम व्हेन द नोटिफिकेशन बार इज पुल डाउन, अडेप्टेड मॉडल Redmi K20 Pro। तो Redmi K20 Pro में एक बग्स देखने को मिल रहा था लॉक स्क्रीन के रिगार्डिंग, तो उसे कंपनी फिक्स कर रही है, और पीछे की एक बीटा अपडेट में उन्होंने इसे फिक्स कर दिया है। इसके बाद एक अगला बीटा अपडेट भी निकल कर आता है, जो अभी एक या दो दिन पहले का ही है। इसमें लिखा है ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अनेबल टू यूज़ इन सर्टेन सिनेरियोस MI 9 एंड Redmi K20 Pro आर टेम्परेरली सस्पेंडेड टुडे, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें लिखा है Redmi K20 Pro में कुछ बग्स थे जो कि फिक्स नहीं हो पाए थे, तो उसके लिए बीटा अपडेट, उसके लिए प्रीवियस बीटा अपडेट सस्पेंड कर दिया गया था। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शोमी जो है Redmi K20 Pro के लिए जो बग फिक्सेस होते हैं उनके लिए काफ़ी कोशिश कर रही है उनके बग फिक्स करने की। तो जैसे ही वो बग फिक्स हो जाएंगे तो वो अपडेट चाइना में स्टेबल में चला जाएगा, और जैसे ही वो स्टेबल में जाएगा तो बाकी रीजन्स के लिए, इंडिया और ग्लोबल के लिए भी वो काफ़ी जल्दी रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सारे यूजर्स पूछते हैं कि इसकी डेट बताओ, डेट बताओ। तो इसकी डेट कोई कन्फर्म डेट नहीं है, जब भी इसके बग फिक्स हो जाएंगे तो Xiaomi खुद ही ऑफिशियल हमें कंफर्म कर देगी, और हम आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे और लिंक भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं Redmi K20 की। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, Redmi K20 जो डिवाइस है वो अभी डिवाइस इन इंटरनल स्टेबल बीटा टेस्टिंग की जो लिस्ट है उसमें शामिल है, यानी कि अभी इसके लिए इंटरनल टेस्टिंग इंटरनल में चाइना में चल रहा है। इसकी अभी कोई स्टेबल बिल्ड रिलीज नहीं हुई है, ना ही ये पब्लिक में रोल आउट हुआ है। तो इसके लिए अभी इंडिया में अपडेट मिलने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, और Redmi K20 Pro के लिए आपको Redmi K20 से पहले देखने को मिल सकता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं जैसा कि लीक्स और न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, बट इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर आएगी तो हम आपको अपने चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा के रखें, और इसके अलावा आप हमारे TechnoVertHindi टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको MIUI 12.5 और Android 11 और Xiaomi के डिवाइस से रिलेटेड और Poco के डिवाइस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। तो आज के वीडियो में मिलता है इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली किसी न्यूज़ के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।